हेलो एवरीवन, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर आसानी से मिलने वाली इंग्रेडिएंट्स से एकदम सॉफ्ट केक, वो भी तकरीबन 20 मिनट में। ये देखिए, है ना एकदम सॉफ्ट। इसे हम बनाएंगे बिना ओवन, बिना अंडे, बिना मोल्ड के इडली स्टैंड में, वो भी मात्र 20 मिनट में। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, हर कोई इसे आसानी से घर पर बना सकता है। और इसकी जाली देखिए, इसकी सॉफ्टनेस देखिए, ये बहुत अच्छे से बेक हुआ है। बच्चों को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आपका जब भी केक खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए ये स्पॉन्जी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर सॉफ्ट केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल, और मेजरिंग के लिए इस तरह से आप कोई भी चाय का कप ले लीजिए, और इसी कप से हम सभी चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कप दूध। दूध हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक छोटी चम्मच ले रही हूँ, और इसी चम्मच से सारी चीज़ों का मेजरमेंट करेंगे। तो इसी चम्मच से मैं 2 चम्मच दही डालूँगी। हम इसे विस्कर से अच्छे से मिक्स करेंगे। गुनगुने दूध में दही मिलाने से क्या होगा कि दूध हल्का सा कर्डल हो जाएगा और इससे केक जालीदार बनेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दूध हल्का सा कर्डल हो गया है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम उसी कप से, जो कप हमने मेजरमेंट के लिए लिया है, आधा कप मेल्टेड बटर डालेंगे। आप चाहें तो बटर की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, बस ऑयल में किसी प्रकार की स्मेल नहीं होना चाहिए। बटर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें उसी कप से 1 कप शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे हम छन्नी से छान कर डालेंगे ताकि चीनी के मोटे मोटे टुकड़े ना पड़े। तो आप भी शुगर पाउडर को छान कर ही डालिएगा। मैंने चीनी को मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं उसी कप से 2 कप मैदा ऐड करूँगी। मैदा को भी हम छान करके इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैं ये वाला केसर इलायची फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो मैं उसी कप से आधा कप कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फ्लेवर पसंद हो इसमें डाल दीजिएगा। मैदा और कस्टर्ड पाउडर को छन्नी से छान लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैदा को छान कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। आपने देखा कि मैंने अभी इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर बेकिंग पाउडर और सोडा का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। पहले हम स्मूथ बैटर बनाएंगे, इसके बाद इसमें सोडा को डालेंगे, क्योंकि बैटर को फेंटने से जो सोडा की वजह से एयर बनती है वो एयर निकल जाती है, और केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए बैटर में एयर होना चाहिए। तो आप भी सोडा का इस्तेमाल तभी कीजिएगा जब आपको तुरंत बेक करने के लिए रखना हो। तो ये देखिए, बातों बातों में हमारा ये बैटर भी अच्छे से फिट गया है। ये देखिए, एकदम स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से चॉप किए हुए काजू, बादाम और पिस्ता डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच मैदा डालकर इसे पहले कोट करेंगे, इसके बाद हम इसे बैटर में मिलाएंगे। इससे क्या होगा, टूटी फ्रूटी केक के तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। इसे हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं इसे बैटर में डाल देती हूँ, और जो ये बाउल में एक्स्ट्रा मैदा है इसे मैं बाउल में ही रहने देती हूँ, इसे हम बैटर में नहीं डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी को बैटर के साथ अच्छे से मिला देंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये बैटर केक बनाने के लिए रेडी हो गया है। जब हम इसे बेक करेंगे तब हम इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। केक के लिए एकदम परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हम ये केक इडली स्टैंड में बनाने जा रहे हैं। तो मैंने इडली स्टैंड में नमक डालकर रख दिया है, और 1 बड़े कप के लगभग इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसे प्री हीट होने के लिए रखेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। तो स्टैंड का ढक्कन बंद कर देंगे, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर इसे प्री हीट होने देंगे।
जब तक ये प्री हीट हो रहा है तब तक हम इडली के सांचों में बैटर को फिल कर लेते हैं। अब हम केक के बैटर में बेकिंग पाउडर डालेंगे, तो मैंने उसी चम्मच से आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा बेकिंग पाउडर लिया है, इसे हम इसी बैटर में डाल देते हैं। साथ ही उसी चम्मच से एक चौथाई चम्मच सोडा डालेंगे। अब हम सोडा को बैटर में एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे और बैटर को एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमें इसे फेंटना नहीं है, बस मिक्स करना है। तो ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर इडली का सांचा ले रही हूँ। सांचे के खानों को थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे। इस तरह से चारों ओर अच्छे से ऑयल लगा देंगे। सेम प्रोसेस से दूसरे सांचे के खानों को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम सांचे के खानों को बैटर से फिल करेंगे, तो उसी चम्मच से दो दो चम्मच बैटर डाल देंगे। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सांचे के खानों में बहुत ज़्यादा बैटर मत फिल कीजिएगा, नहीं तो ये बेक होते समय बैटर खानों के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि केक जब बेक होता है तो ये फूल जाता है। तो इस तरह से सांचे के सभी खानों को हमने फिल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। बादाम को मैंने दो दो पीसेस में कट कर लिया है, तो इस तरह से हम इसको गार्निश कर देंगे। गार्निश आप अपनी पसंद से कैसे भी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालूंगी, इससे हमारा केक देखने में बहुत बढ़िया लगता है। टूटी फ्रूटी से केक का टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए, अब हम इसे बेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और ये इडली स्टैंड भी अच्छे से प्री हीट हो गया है। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तुरंत हमें ये इडली का सांचा इसमें रख देना है, ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो बाहर ना निकले, क्योंकि इसकी जो स्टीम है बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ताकि ये सांचे भी अच्छे से गर्म हो जाएं। 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। बीच में 10 मिनट बाद टूथपिक डालकर चेक कर लीजिएगा। अगर टूथपिक में केक चिपक रहा है तो इसे थोड़ी देर और पका लीजिएगा। अभी मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी, क्योंकि इसे अच्छे से बेक होने में तकरीबन 20 मिनट का समय लग जाता है। तो टोटल 20 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि केक कितने ज़्यादा फूल गए हैं, और फूलने की वजह से इनमें हल्के से क्रैक आ गए हैं। किनारे से हल्के से ब्राउन हो गए हैं, यानी ये केक अच्छे से बेक हो गया है। तो इस तरह से टूथपिक डालकर चेक कीजिएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि टूथपिक एकदम क्लीन निकल रहा है। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सांचे को इडली स्टैंड से बाहर निकाल लेते हैं। ये जो नमक है अभी गर्म है और इडली स्टैंड भी गर्म है, तो मैं दूसरे सांचे को तुरंत बेक होने के लिए रख देती हूँ। सांचे को 5 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि ये जो केक है आसानी से निकल जाए। 5 मिनट बाद ये केक हल्के से ठंडे हो गए हैं। अब हम इस तरह से चाकू की सहायता से केक को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये केक बहुत आसानी से निकल रहे हैं। ये देखिए, इसमें बहुत बढ़िया कलर आया है, ये बिल्कुल भी जले नहीं है, यानी कि ये बहुत अच्छे से बेक हुए हैं। और ये देखिए, बहुत ही स्पॉन्जी केक बनकर रेडी हुए हैं। तो सभी केक सांचे से निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये केक सांचे से निकल रहे हैं। अब मैं इन्हें सर्विंग प्लेट में रख देती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी अगर इस तरह से केक बनाएंगे, जो मैंने मेजरमेंट बताया है, अगर आप इसी मेजरमेंट से केक बनाएंगे, तो आपके केक भी बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार बनेंगे। ये हमारे दूसरे सांचे के केक भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें भी निकाल कर प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। मैं आपको एक केक काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना जालीदार केक बनकर रेडी हुआ है, और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को केक बनाकर खिलाइएगा। आई होप आपके बच्चों को ये केक ज़रूर पसंद आएंगे। इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।